नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जम्मू में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवाद को बनाया गया राजनीतिक हथियार। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रेवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा चार प्रकार के लाभ। रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम, तुरंत जुड़े। सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे, यहां उन्होंने सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में करीब 1500 लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं में नई आशा जगाई है। 1 लाख स्टार्टअप शुरू किए गए। हमने राजनीति, राजनेताओं और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बहाल करने का काम किया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। हम विभिन्न हथियारों और गोला बारूद का निर्माण कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम आतंकियों की फंडिंग की चेन को नष्ट कर रहे हैं। आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है। आतंकवाद को लेकर हमारा रुख कड़ा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना देश के साथ न्याय है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में लगातार विकास कर रहे हैं। हमने आतंकवाद का खात्मा करने की ठान ली है। यहाँ पर राजनीति के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल होता है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने संबोधित में नॉर्थ ईस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है और शांतिपूर्ण है। हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब अफस्पा को हटाया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।